नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज से दो तीन दिन पहले 10 सितंबर को वसई विरार महानगर पालिका परिवहन सेवा की बस अचानक रोड पे चलती हुई एक बस के टायर, दोनों टायर पीछे के निकल गए थे और एक हादसा होते होते टला था। यह घटना थी वसई वेस्ट के सागर शेड पेट्रोलियम के नजदीक की। इस घटना का हाल ही में हमारे एक दर्शक ने इस घटना का वीडियो हमको भेजा है। घटना 10 तारीख की है, जैसा मैंने भी पहले ही बताया, लेकिन आज वीडियो मुझे हासिल हुआ, तो मैंने इस वीडियो को आज इसलिए लगाया है कि आप भी उस घटना को देख पाए क्या घटना थी। और वहीं वसई विरार महानगर पालिका प्रशासन तक भी ये वीडियो पहुंचे तो उनको मालूम पड़े कि उनकी जो बस सेवा है वो किस तरह से संचालित हो रही है। इससे पहले भी वीडियो वायरल हो चुका है, शायद उन तक वसई विरार महानगर पालिका तक पहुंचा ही होगा, लेकिन अगर नहीं पहुंचा है तो इस वीडियो को आप वसई विरार महानगर पालिका तक पहुंचाइए, क्योंकि ये जो हादसा हुआ, इस हादसे में बड़ा हादसा हो सकता था, इसमें लोगों की जान जा सकती थी और कई ऐसी चीजें परिस्थिति सामने आ सकती थी। ये तो तकदीर अच्छी थी कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप वीडियो में देख सकते हैं बस के दोनों पीछे के टायर, एक तरफ के बस के लेफ्ट साइड के पीछे की तरफ के दोनों ही टायर एक साथ निकल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वसई विरार महानगर पालिका को इन बसों को रोड पर उतारने से पहले पूरी तरह से चेक करना चाहिए, इस घटना से सबक लेना चाहिए। तो इसी मकसद से यह खबर चलाई है। बाकी जैसा मैंने अभी कहा, खबर घटना 4 दिन पुरानी है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।